मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस के कुछ लेसन्स जो आपको कोई किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बिजनेस ने खुद ने प्रूव किए। ये थोड़े अनकन्वेंशनल है, अजीब है, लेकिन 100% सच। देखते हैं ज़ायडस ने लास्ट 71 इयर्स में 4 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कैसे किया। सबसे पहला लेसन, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड के सारे कंसल्टेंट अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो वो 100% सही ही होगा। ऐसा ही हुआ था जब पंकज पटेल, जो चेयरमैन है आज ज़ायडस के, उन्होंने जब चाहा कि ज़ायडस को वो यूएस में ले जाए, तो यूएस के मार्केट में जब उन्होंने कंसल्टेंट से कंसल्ट किया तो कंसल्टेंट का ज्यादा कहना था कि अगर एक कंपनी जिसके पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है तो ऐसे ब्रांड के साथ कोई भी ज्यादा जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि यूएस के कस्टमर्स को ज्यादातर ऑप्शंस चाहिए होते, वैरायटी चाहिए होती अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मेडिकल कंसर्न्स क्यों ना हो। पंकज भाई ने ये सुनकर अपने प्लान में चेंज नहीं किया, लेकिन वो खुद यूएस गए और उन्होंने प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट किया, जहां से उन्हें पता चला कि यूएस के कस्टमर्स को ज्यादा वैरायटी तो चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें कंसिस्टेंट मेडिकल सप्लाई चाहिए था। यानी उन्होंने सबसे पहले तो कंसिस्टेंट मेडिकल सप्लाई को ही अपनी यूएसपी बनाई और इसी हिसाब से यूएस में उन्होंने मार्केट किया अपने प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में यूएस में पेनिट्रेट कर पाए।